वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं सीख पराठा। तो मैंने सीख बनाने के लिए कीमा ले लिया है। ये आधा किलो मटन का कीमा है। इसको वॉश करके मैंने छन्नी में छानने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रख दे जिससे इसका पानी सूख जाए। देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई कीमा है। आप अगर नहीं वॉश कर रहे हैं तो मतलब इसका कीमा सूखा होना चाहिए। अगर आप वॉश कर रहे हैं तो पानी अच्छे से सूखा लें या फिर डायरेक्ट बनाएं, उसको धोए ना। तो अब हम इसको बाद में हम एक बार फिर जार में ग्राइंड करेंगे। पहले हम इसको मसाला लगा लेते हैं, जिसके लिए हम इसमें एक मीडियम साइज़ की अनियन डालेंगे। बारीक सा चॉप कर लिया है चॉपर में। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/2 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देंगे। मसालों में 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून भरकर ये कच्चे पपीते का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप चाहें तो कचरी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे तो ये मटन का कीमा है, जल्दी बन जाएगी हमारी सेक, लेकिन फिर भी मैंने इसमें डाल दिया है ताकि और जल्दी बन जाए। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। 1 टीस्पून के करीब ऑयल इसमें डाला है। आप चाहे तो बाइंडिंग के लिए इसमें चने का आटा ऐड कर सकते हैं या कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने कुछ भी नहीं डाला है। अब इन सबको हमें अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी मिल पाएगी। अब इसमें कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया ऐड करेंगे और इन सबको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसको हमें मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारा ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्सर में मैंने एक बार घुमा लिया है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में भी इसको घुमा सकते हैं। तो ये देखिए कितना स्मूथ हो चुका है हमारा कीमा। तो इसी तरीके का कीमा हमें चाहिए सीख बनाने के लिए। देख सकते हैं आप, कुछ इसमें मैंने डाला नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे से बन रही है सीख हमारी। ना हाथों पर चिपक रही है ना कुछ, तो बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके का चाहिए। अब हम इसको रेस्ट दे देते हैं 20 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसमें पपीते का पेस्ट डाला है। अब हम चटनी बना लेते हैं जो सीख के साथ सर्व की जाती है। इसके लिए थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे जार में। बहुत ही मज़े की ये चटनी लगती है। 1/2 टीस्पून के करीब लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर आपके पास अखा लहसुन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे और ये इमली का पेस्ट ऐड कर देंगे, या इमली का पानी 1 टीस्पून के करीब ऐड कर दें, या फिर आप लेमन जूस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 3 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड करके स्मूथ चटनी पीस लेंगे। तो ये देखिए, चटनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। पराठे का आटा गूंथ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल पराठा जैसे हम बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है। 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया है। इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर पानी की हेल्प से हमें सॉफ्ट डो गूंथ कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, डो हमने गूंद कर रेडी कर लिया है। इजी है इसका पराठा बनाना, बट फिर भी मैं आपको बनाकर बता रही हूँ। तो देखिए, एक पार्ट उठा लेंगे हम, इसको आटे में डिप कर देंगे और इसको सिंपल हमें रोल कर लेना है। थोड़ा मोटा रखना है। अगर आपको बड़े बनाने हैं पराठे तो आप बड़े बना लें, छोटे बनाने हैं तो आप छोटे भी बना सकते हैं। तो देखिए, इतना मोटा रखा है। अब पैन को हम गरम कर लेंगे। पैन हमारा गरम हो जाए तब हम पराठे को डाल देंगे पैन में और एक साइड से इसको पकने देंगे। देखिए, एक साइड से पक चुका है। साइड को टर्न कर देंगे और ऑयल डाल देंगे। ऑयल अगर आप कम खाते हैं तो कम ऐड कर सकते हैं।
अब दूसरी साइड पर पलटकर इस पर भी ऑयल डाल देना है। तो ये देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। सारे पराठे इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए कीमे को रेस्ट देते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सीख बनाना। तो सबसे पहले एक पार्ट उठा लेंगे, थोड़ा बड़ा ही पार्ट लेना है। उसको हाथों की हेल्प से पहले अच्छी तरह से गोल कर ले। अब ये सलिया ले ले सीख का, या फिर अगर आपके पास सलिया नहीं है तो आप कांडी या फिर कोई स्ट्रॉ भी ले सकते हैं और इस तरीके से सीख का शेप दे देना है। हाथों को देखे पानी लगा लेना है इस तरीके से, और पानी लगाते हुए सेट कर लेना है और इसको हल्के हाथों से निकाल देना है। आप चाहे तो निकाल निकाल कर डायरेक्ट ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और आपको बड़ी बड़ी सीख ही बनानी है क्योंकि ये फ्राई होने के बाद में थोड़ी साइज़ में छोटी हो जाती है, इसलिए पहले आप बड़ी बड़ी सीखें ही बनाएं। ये सेकेंड वाला भी इसी तरीके से बना लेना है, बहुत ही इजी है इसको बनाना। पानी लगा ले हाथों पर और बना ले। तो ये दूसरी भी बनकर तैयार है, सारे इसी तरीके से बना लेंगे। अब पैन में ऑयल डाल देंगे, ऑयल गरम हो जाए तब इसमें सीखों को डाल देंगे एक एक करके। दोनों हाथों की हेल्प से उठाते हुए डालना है वरना ये टूट सकती है। आपने देखा है मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है बाइंडिंग के लिए, ना चने का आटा ना कॉर्नफ्लावर, बट फिर भी बहुत ही अच्छे हमारे सीख बन रहे हैं। और मैंने कीमे को धोया भी था उसके बावजूद भी ये बिल्कुल टूटे नहीं हैं। अब एक साइड से इनको पकने देंगे क्योंकि हमने इसमें कच्चे पपीते का पेस्ट डाला था, तो इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करते जाए, एक एक साइड से सिकते जाए, तो आप इसको टर्न कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये पराठों के साथ खाने में। तो ये देखिए सीख हमारे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। हर तरफ से मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब जो बाकी के हमारे सीख बचे हैं वो भी हम इसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो सारे सीख हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हमें कोयले की स्मोक देनी है, तो फॉइल पेपर रख देंगे और कोयले को अच्छी तरह से जला लेंगे। जलाने के बाद इसमें रख देंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के करीब, और इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। आप चाहें तो पहले भी स्मोक दे सकते हैं या फिर बनाने के फ्राई करने के बाद भी दे सकते हैं। तो मैंने पहले फ्राई कर लिया है सीख को, उसके बाद मैंने स्मोक दिया है। तो अब हम डिश आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम पराठों को रख देंगे और ये पुदीने और प्याज का सैलेड बनाया है इसको रख देंगे। अब सीखों को रख देंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार घर पर बनकर तैयार होते हैं, बहुत आपको पसंद आने वाली है। मेरे तरीके से आप इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। और हमने जो पुदीने की चटनी बनाई थी वो हम इस पर रख देंगे, और इस पर आप नींबू का रस छिड़के उसके बाद में इसको खाएं। तो अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।